राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस जनों ने देवताओं का आवाहन कर किया यज्ञ। गंगा में खड़े होकर की कामना कि आए फिर से कांग्रेस की सरकार। जहां प्रयाग की पावन धरती पर जहां कुंभ मेला लगता है, आज इसी तरह आज हम लोगों ने यहां एक यज्ञ किया है और यज्ञ के माध्यम से हम लोगों ने माँ गंगा से ये कल्पना किया है कि माँ गंगा प्रार्थना करते हैं हम लोग, माँ गंगा सरस्वती के किनारे, माँ जमुना के किनारे, हम लोग संगम के किनारे कल्पना माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस बार जिस तरह आप संगम में सब करोड़ों लोगों को नहवा कर सबके आत्माओं को शुद्ध करती हैं और सबके पापों को नाश करती हैं, उसी तरह इस बार राहुल गांधी 2014 का चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों की गंगा माँ आपसे प्रार्थना है किसी तरह उनको भी इस बार भारत का पीएम बनाया जाए और जो लोग उनके खिलाफ बुरी बातें कहते हैं और बुरा सोच रखते हैं उनका नाश हो, क्योंकि इस समय देश को जरूरत है एक अच्छे नेता, एक अच्छे पीएम की। वो उसके रूप में श्री राहुल गांधी एक ऐसे पीएम है जो देश के बारे में सोचते हैं। हम लोग इसलिए माँ गंगा के यहाँ हवन करके एवं गंगा जी में आधे गंगा जी में खड़े होकर माँ गंगा से ये प्रार्थना किए हैं कि माँ गंगा राहुल गांधी को इस बार पीएम बनाए आप। या देवी सर्वभूत देवी शक्ति स्वरूपाय तु स्वस्तिका, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम लोगों ने इलाहाबाद के संगम तट के किनारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी को पीएम बनाने को लेकर के कांग्रेस को बुरी बलाओं और आपदा से बचाने के लिए यज्ञ किया और गंगा में आधे गंगा में खड़े होकर के राहुल गांधी जी की उम्मीदवारी प्रधानमंत्री को लेकर के कांग्रेस पार्टी को आपात विपात से बचाने के लिए प्रार्थना की और माँ गंगा से प्रार्थना किया और दुआ किया, इसी को लेकर के आज हम लोगों ने यज्ञ और प्रार्थना किया है। जो रथ बनाए आप लोगों ने, रथ पर क्या दिखाया? अब ये तो अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, किसी कार्यकर्ताओं ने अगर बनाए तो कार्यकर्ताओं की अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अगर वो अपने आप को उस तरीके से उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी जी की उम्मीदवारी को लेकर के, तो हमारी समझ से इसमें कोई भी कोताही नहीं है, कुछ गलत नहीं है।